सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि किसी कार्य को करने में आपको मजा नहीं आ रहा तो इसका अर्थ वो कार्य आपके लायक नहीं है। हमेशा खुद से प्रश्न कीजिए कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ। सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप जिंदगी के रेस में धीरे चलते हुए भी यदि रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। तो चलते रहिए। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 4:41 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:25 से 9:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 3:30 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि, अभी यात्रा करने या नया कुछ पढ़ने की संभावना है। किसी चीज पर रिसर्च अभी आपको लुभा रही है। अध्यापक या सलाहकार की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लें। भाग्य आपके साथ है, शायद कोई अप्रत्याशित धन भी आपका इंतजार कर रहा है। आपके प्रयास आपको नाम और प्रसिद्धि दोनों दिला सकते हैं। यह केवल एक शुरुआत है। आपका जबरदस्त रवैया आपके साथ काम करने वालों को भी प्रभावित करेगा। आप आज अथक काम करेंगे किंतु इसका परिणाम भी शानदार होगा। छोटी छोटी सफलताओं से खुश ना हो, बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस राशि के लोगों के लिए आज के दिन व्यापार के मामलों में काफी अच्छा भी रहने वाला है। आज व्यापार में तेजी की स्थिति को दर्शाने वाला रहेगा। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण दिखेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इतने ही नहीं, आज परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। माता पिता के साथ धार्मिक स्थलों पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ ही आज पति पत्नी में तालमेल अच्छा बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही आज पैसों से संबंधित लेन देन में सतर्क रहें। नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के काम में पारदर्शिता नहीं होने की शिकायत देखी जा सकती है। सावधानियां, दिन आपके लिए आर्थिक समस्याएं लेकर भी आ सकता है। आपको अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी, नहीं तो बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है और आपका किसी महिला मित्र से वाद विवाद भी हो सकता है जो लंबा चल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी लापरवाही के चलते अधिकारियों से आपको डांट खानी भी पड़ सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। रिश्ते में गलत फहमियों को जगह न दे और प्यार का इजहार करते रहें। इससे आपकी चाहत आसमान को छुएगी। घर पर आए संकट को दूर करने में व्यस्त रहेंगे। आपके सकारात्मक रवैये की वजह से आज आपको सहयोगियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी सफलता का जश्न अपने हमसफर के साथ मनाएंगे और कुछ ऐसा वक्त उनके साथ बिताएंगे जो आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा। अंतरंगता के लिए प्यार के साथ साथ संबंधों में विश्वास का होना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। करियर में बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा क्योंकि आज अच्छा भाग्य आपके साथ है। कानूनी मामलों से अभी दूरी बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। दिमाग का प्रयोग करें और अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। आपका आगे बढ़ने का रवैया आसपास के लोगों से आपको समर्थन प्रदान करेगा। आपके थकान देने वाले काम के परिणाम भी शानदार होंगे। मेहनत आपको प्रसिद्धि और पहचान दिलाएगी जैसा आप चाहते हैं। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। याद रखें, सभी की मृत्यु निश्चित है लेकिन बड़ी उपलब्धियां इंसान को अमर बना देती है। बात करते हैं सेहत की। शरीर में सुस्ती और थकान महसूस कर सकते हैं। आज आपको सिर भारी महसूस होगा। सर्दी जुखाम भी कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। आज का उपाय, आज अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभकारी होगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।